नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंक के खिलाफ जंग को लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता जताई। बाइडेन ने कहा अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से उन्हें घर वापसी दिलाने का वादा किया। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकों से कहा कि हम आपको घर पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी। सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से तालिबान 150 लोगों को जबरन अपने साथ इन लोगों के सूत्रों के मुताबिक इनमें अफगान के अलावा ज्यादातर भारतीय नागरिक शामिल। अफगानी पत्रकार के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षा ने लेकर के पासपोर्ट अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी ने ट्विटर जन्मदिन की बधाई दी या अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। लिखा कि आंश पूरा करने के लिए मह रहे हैं, उन्होंने अरुणाचल में क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर हैं। नड्डा पूर्व के साथ पहुंचे और हमें गर्व करना चाहिए कि हम देश के जवान की वजह से त्यौहार मना पा रहे हैं। नड्डा ने कार की उपलब्धियों को गिना कि मोदी सरकार सुरक्षा सीएम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा दिया। रक्षाबंधन पर वो परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा करने की सौगात 75 जिलों में सुख मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सोलो में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को जवानों ने ढेरा। दिल्ली में रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से कनॉट पैलेस में जलभराव की स्थिति बनी। बारिश की वजह से दिल्ली की दरिया बन गई है। बारिश की वजह से एक तरफ लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं अब बढ़ते पानी ने परेशानी बढ़ा दी। बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को राहत मिली लेकिन दूसरी तरफ लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली के ओखला मंडी में सड़कों पर पानी की वजह से परेशानी हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी, इसी वजह से जलभराव हुआ। परेड रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट प्रभावित हुआ। कैलाश 2 की सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई, पानी भरने से लोगों के लिए खतरा। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर कई जगह जलभराव की स्थिति, तो वहां द्वारका पालम फ्लाईओवर पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजघाट पर बारिश की वजह से पानी भर गया। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश से लोगों को राहत मिली है, तेज हवाओं और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली, बारिश की वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में रात की बारिश की वजह से लोगों को एक राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ जलभराव, इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, दलित प्रेरणा स्थल के पास पानी भर गया और कई सड़कें दरिया बन गई। गाजियाबाद की विजयनगर गौशाला अंदाज में पानी भर गया और इस वजह से आवाजाही रोक लगी। इस साल अयोध्या होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7,50,000 दिए जाएगी और अपना रिकॉर्ड तोड़ी। इससे पहले 5,50,000 दिए जाए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। प्रभाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2020 की शुरुआत की। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल ना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलेंटियर लगाए जाएंगे। यानी एजेंसियों को भी कॉपल रिकॉर्ड के अधिकारी संपर्क में रहना। यूपी सरकार ने कोरोना मामलों में गिरावट दर्ज होने के बाद कक्षा 1 से 8 के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया।
प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कक्षा छठी से आठवीं की ऑफलाइन कक्षाएं 23 अगस्त से खुलेंगी, जबकि पहली से पांचवीं तक के लिए 1 सितंबर से कक्षाएं खुलेंगी। में पिछले 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 375 लोगों की मौत हुई। पिछले टॉप डे में 4,300 के मामले सामने आए, 384 लोग डिस्चार्ज हुए, एक में 5 लोग मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 322 नए के मामले सामने आए, 6 मरीजों ने अपनी जान गंवा, संक्रमित कड़ा 7,40,000। मुंबई में 23 लोग स्वस्थ हुए, 15,000। दिल्ली में 24 घंटे में 57 नए मामले सामने आए, 40 लोग रिकवर हुए, मृतकों का कुल आंकड़ा 14,00,000 के पहुंचा। सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर फैसला लिया है, राज्य में कांग्रेस की पार्टी बन गए। उन्होंने कहा कि एक संदेश शहनाई की नागरिकों को सीनियर सिटीजन की हमें परिवर्तनों की देखभाल करनी चाहिए, ध्यान सामाजिक स्वास्थ्य आर्थिक मुद्दे में जा महिलाओं को रंगर बस में निःशुल्क यात्रा की सदी पहन निगम में शुल्क याद हो में राजस्थान प्रबंधन पर कोरोना मिला बाद में ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं इस बार बाजार में। राखी को लेकर राज्य सरकार की रोड बसों में यात्रा का ऐलान किया, महिलाएं काफी खुश। रक्षाबंधन के एक दिन पहले तखतगढ़ के सैनिक कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय थाने में पहुंची और थानाधिकारी समेत पूरे स्टाफ को राखी बांधी। भीलवाड़ा के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि 21 अगस्त रात 12 बजे से 22 अगस्त रात 12 बजे तक दो कुछ कभी बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। कृष्ण की दीवानी मीरा का 517वां जन्मदिन महोत्सव नागौर के मेड़ता में मनाया गया। मीरा जयंती महोत्सव के नाम से मनाया जाने वाला ये समारोह 8 दिन तक मेड़ता सिटी के 4 भुजानाथ मंदिर में चलता है। प्रदेश के अलावा यहां पर दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं, हर साल महोत्सव में बड़े धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना की वजह से बड़े कार्यक्रमों को स्थगित किया गया, मंदिर परकोट में ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के नर्सेज पदनाम परिवहन की मांग कर रहे हैं, मांगों को लेकर सरकार ने घोषणा की लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी परिवहन का गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीते दिनों नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता की थी, प्रशासन ने 2 समय मांगा था। अगर द्वारा से परिवहन का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो प्रदेश के नर्सेज द्वारा उग्र आंदोलन की नीति बनाई जाएगी। प्रत्येक विशेषज्ञों ने तीसरी लहर के संकेत, वहीं दूसरी तरफ केंद्र का वैक्सीन की सप्लाई बाधित हो रही है। वैक्सीन की कमी सरकार और प्रशासन के लिए चिंता बन गई है, स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका नहीं लग पा रहा, जितनी वैक्सीन की मांग की जा रही है उतनी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। जयपुर में फैशन शो में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। राजगढ़ में अज्ञात चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया, एटीएम चुराकर फरार हो गए चोर, चोरों ने एटीएम की शटर को तोड़कर घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक एटीएम में करीब 1,10,000 रुपए थे, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोटा के इटावा के सुल्तानपुर में
शिक्षक के सूने मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर करीब 11 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, दो संदिग्ध कैद हुए हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वैर में 26 अगस्त को होने वाली पंचायती राज आम चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जुट गए हैं। झुंझुनू के बगड़ में पीने के पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मन के खिलाफ अनिश्चितकालीन सांकेतिक धरना दिया। पालिका अध्यक्ष के कस्बे में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। समस्याओं को लेकर लोग जलदाय विभाग में जाते हैं तो विभाग के ताले लटके मिलते हैं। संख्या में लीकेज बने हुए जिनसे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। जब अधिकारियों को तो कोई फोन भी नहीं। अलवर की पुलिस ने विंग में अर्थ मिलकर देह शोषण करने के मामले में थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी ने युवती से जान पाल बहरोगड़े में पहले लड़ाई पुरानी अस्पताल जमकर हंगामा किया। श्री डूंगरगढ़ में बाना जीएसएस पर करंट लगने से कर्मचारी की मौत। मामले को लेकर जनप्रतिनिधि विभाग के दफ्तर पहुंचे, अधिकारियों से मुआवजे की मांग की। मांडलगढ़ के घाटी गांव के पास अज्ञात व्यक्ति का सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल घटना का खुलासा अब तक नहीं हो सका। लूनकरणसर के काकड़वाला गांव के पास सवारियों से भरी बस पलटने से 18 सवारी घायल हो गए, जिनमें से 4 लोगों को पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बस भीखनेरी के लूनकरण सर की तरफ जा रही थी और साथ ही काकड़वाला के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चोरा में पुलिस ने रेस्टोरेंट में खाना खा रहे युवक, पुलिस ने लात घूसों के साथ थप्पड़ों की बौछार कर जमकर युवक की पिटाई की। अलीगढ़ में गेहूं और चावल की कालाबाजारी हुई। गेहूं चावल से भरे ट्रक पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने मामले की सूचना एसडीएम को दी। उन पर ने वैन को टक्कर मार दी। वैन सवार 3 महिला शिक्षक और 1 पुरुष शिक्षक की चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बागपत में पुलिस ने 25,000 की इनामी महिला शराब तस्कर सुनीता जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला हरियाणा की रहने वाली। अलीगढ़ में नशे की हालत में एक शख्स ने मंदिरों में तोड़फोड़ की। मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को तोड़ा। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गुना में पड़ोसी ने नाबालिग की बालिका से दुष्कर्म किया। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। आगे मारी पुलिस। मैनपुरी में प्रेमी जोड़े ने जहर खाया। गंभीर हालत में युवक को रेफर किया गया। युवक के परिजनों ने घर में घुसने से मना कर दिया था। श्रावस्ती में मवेशी को बांधने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हुआ और जमकर लाठी डंडे चले। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा में अब आंगनबाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात हो जाएगी। दरअसल हरियाणा सरकार आंगनबाड़ी कल्चर को समाप्त कर उसे आधुनिक रूप देने जा रही है। प्रदेश में कार्यरत 4,000 आंगनबाड़ी सेंटर को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिक प्ले स्कूल खोले जाएंगे। इस तर्ज पर आंगनबाड़ी सेंटर आधुनिक प्ले स्कूल के तौर पर काम करेगा। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में होटल में महिला की हत्या कर दी गई। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा के पंचकुला यमुनानगर हाईवे के किनारे गांव
नगल में 25 फुट की गहराई से सीवरेज लाइन का काम करते हुए 3 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। मजदूर यहां जमीन में 25 फुट की गहराई के अंदर स्लैब डालने का काम कर रहे थे। काम के दौरान कुछ एरिए में लेंटर डाला जा चुका था, जबकि कुछ जगह पर लेंटर डाला जाना बाकी था। इस दौरान 25 फुट की गहराई में अचानक से कंस्ट्रक्शन गिर गया और मिट्टी खिसक गई, जिसकी वजह से 3 मजदूर नीचे दब गए। इस पूरे हादसे में 1 की मौत, 2 घायल।